Hey guys, welcome to Commerce Parshala, and today we are going to talk about the second question from BCOG 171. Like, we have already discussed the first questions 1A, and now we are going to talk about the 1B, right? So this question is very important for the examination because every question is very important because the questions that I'm teaching you, जो क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ. जो नोट्स हम लोगों ने प्रिपेयर किए हैं फॉर द दिसंबर सेशन, आई एम यू नो टीचिंग यू डायरेक्टली फ्रॉम दैट नोट्स. ठीक है, अगर ये नोट्स चार्जेबल है, पीपल हैव ऑलरेडी बॉट इट. अगर किसी को चाहिए दे कैन डायरेक्टली कॉल मी और व्हाट्सएप मी टू गेट दीज नोट्स एंड आई विल गिव इट टू यू. चार्जेबल होगा, थोड़ा सा नॉमिनली चार्जेबल, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चार्जेबल. अगर आप ट्यूशंस करके क्लासेस करके अगर आप ये नोट्स लेंगे तो आपको काफी महंगा पड़ेगा. बट as you know that exam is not very much far, like within one month, after one month at least two examinations start ho jayenge December ke mahine mein. To October ka kuch din hai aur November ka pura mahina bacha hua, bas itna hi hai, right? So you can buy these notes if you want. You will just get it rupees for 200, and along with that you will be given chapter wise question answers as well. Uske sath aapko chapter wise question answer bhi mil jayenge jo ki sufficient hoga aapke examination mein 70-80% even usse zyada marks lane mein, right? So we will talk about this topic. स्टार्ट करते हैं. फिर उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि यार अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चल पाए कि भाई इस तरह का कोई चैनल है जहाँ पे आपको बीकॉम और एमकॉम की स्टडी कराई जाती है, कॉमर्स की, इग्नू की. सो आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच. एंड नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक. सो लॉ ऑफ डिमांड, वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड. व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड एंड हाउ इट वर्क्स एंड what are the factors, what are the exceptions actually, what are the exceptions to the law of demand means aise kaun si cheeze hongi jab aapka law of demand kaam nahi karega, hai na. Aur is cheez ko samajhne ke liye hum logo do cheezon ki sahayata lenge. Sabse pehla hai substitution effect aur dusra hai income effect. Substitution effect kis tarike se aapke law of demand mein exception lekar ke aata hai, income effect kis tarah se exception lekar ke aata hai, iske bare mein hum ek ek karke discuss karenge. To chaliye fir start karte hain. The law of demand states that all else being equal, अगर सारी चीजें equal रहे, as the price of the goods, जिस तरह से goods की prices बढ़ती हैं, जो quantity demand है वो घटने लगता है. Law of demand बहुत ही simple सा है. अगर किसी चीज का दाम जो आप खरीदना चाह रहे हो, अगर उसकी उसका दाम धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बढ़ता रहेगा इवन, तो आप उस चीज को नहीं खरीदोगे. आप वेट करोगे कि उसका प्राइस घटेगा तो मैं खरीदूंगा. तो लॉ ऑफ डिमांड में यही है कि प्राइस अगर घटेगा तो जो क्वान्टिटी है वो बढ़ेगा, जो डिमांड है आपका, क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ेगा. और अगर किसी चीज की प्राइसेस घट रही हैं तो उसका क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, और अगर बढ़ रही है किसी चीज का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो उसका जो डिमांड है वो घटेगा. ठीक है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. लेकिन कई बार ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे आपका ये लॉ काम नहीं करता है. ये जो लॉ है, जो नियम मैंने अभी आपको बताया, ये काम नहीं करता है. ठीक है, उसी के बारे में ये पूरा पूरा टॉपिक है. हाउएवर देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस लॉ, वही बात बोली जा रही है. यहाँ पे कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे हायर प्राइसेस में नॉट लीड टू डिक्रीज इन डिमांड. जहाँ पे जो अगर दाम ज्यादा भी हो रहा है तो उसकी वजह से डिमांड घट नहीं रहा है. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड आज अभी के टाइम पे तकरीबन अगर आप 24 कैरेट की बात करें अराउंड 8,000 के आसपास है ना. बट स्टिल पीपल आर बाइंग इट. यू नो व्हाट इज द रीजन, बिकॉज वो लोग एक एसेट परचेज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू उनको फ्यूचर में और ज्यादा मिलेगी. तो यहाँ पे गोल्ड की प्राइसेस अगर बढ़ भी रही हैं, पीपल आर बाइंग इट. लॉ ऑफ डिमांड में क्या था कि प्राइसेस बढ़ेंगी तो डिमांड जो है वो घटेगा, लेकिन यहाँ डिमांड उल्टा बढ़ रहा है, राइट? तो यहाँ पे ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है. और यहाँ पे इनकम इफेक्ट काम कर रहा है. अगर आपके पास इनकम इतनी है कि आप गोल्ड को अफोर्ड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, देन यू विल बाय इट, राइट? और कई बार हम लोग को ऐसा देखने को मिलता है कि डिमांड जो आपका प्राइस है वो घट रहा है, फिर भी उसका डिमांड नहीं बढ़ रहा. जो प्राइस है वो घट रहा है, उसका डिमांड नहीं बढ़ रहा. जैसे कि फॉर एग्जांपल चाय, चाय की अगर बात करें तो चाय की जो कीमत है वो अगर आप बहुत ही गिरा दोगे, फिर भी लोग जितनी पीते हैं उतनी पियेंगे ना, थोड़ा ज्यादा थोड़े पीना स्टार्ट कर देंगे. या मान लो पीना स्टार्ट कर भी दिया, अब इसको एक और एग्जाम्पल के साथ समझो. कॉफी, अगर कॉफी की कीमत ज्यादा है और चाय की कीमत कम है, लोग चाय पी रहे हैं, पर अगर कॉफी की कीमत चाय की कीमत कॉफी की कीमत से ज्यादा हो जाएगी, चाय कॉफी से ज्यादा महंगा हो जाएगा, तो क्या आप चाय पियोगे? आप कॉफी पियोगे, राइट? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम कर रहा है कि आप किस चीज का सब्स्टिट्यूट आप लेना चाह रहे हो. चाय और कॉफी की कीमत अगर एक समान हो जाए तो कई बार अगर कॉफी लोग पीते हैं, उनको अगर ऑप्शन नहीं मिला तो हो सकता है कि फिर वो लोग चाय पे भी स्विच कर जाए, राइट? सो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये जो है डिपेंड करता है.
है ना। तो सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक एक करके करेंगे आपको समझ में आएगा। सो द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑकर्स व्हेन कंज्यूमर स्विच फ्रॉम वन गुड टू अनदर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम करता है तब जब आप एक गुड्स के लिए दूसरे गुड्स जो कि सेम तरह की चीज है आप उसके ऊपर स्विच करते हो, है ना। एज द प्राइस ऑफ द गुड्स राइजेस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर चाय की कीमत बढ़ने लगे और कॉफी से ज्यादा हो जाए या कॉफी के बराबर हो जाए, और चाय तो भैया आपको पीना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप चाय पियोगे ना कॉफी पियोगे। कॉफी इज मच बेटर देन चाय, राइट, पीपल लव कॉफी। हालांकि चाय लवर्स की भी कोई कमी नहीं है, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ चाय बट कॉफी आई लाइक, बट ऐसा नहीं कि मैं चाय नहीं पीता। सो चाय का एक अलग वैल्यू है फॉर सम पीपल एंड कॉफी का एक अलग वैल्यू है, बट अगर आप उसके यू नो मेडिसिनल इफेक्ट की बात करें, उसके फायदों की बात करें, तो कॉफी इज मच बेटर देन चाय, राइट। और दोनों की कीमत अगर सेम हो जाएगी देन पीपल विल डेफिनेटली प्रेफर कॉफी ओवर चाय, राइट। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब वही है। टिपिकली दिस लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड फॉर द मोर एक्सपेंसिव गुड्स। यहाँ पे क्या होगा, जो डिमांड है डिक्रीज होने लगेगा जो ज्यादा महंगा होगा उसका। अभी के टाइम पे क्या है, कॉफी का डिमांड ज्यादा कम है क्योंकि कॉफी एक्सपेंसिव है चाय के मुकाबले, बट अगर कभी चाय की कीमत ज्यादा हो गई और कॉफी की कीमत घट गई तो चाय की डिमांड घट जाएगी और कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है उसकी डिमांड घट जाती है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब यही है कि कोई सब्स्टिट्यूट, चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफी है, कॉफी का सब्स्टिट्यूट चाय है, जब भी प्राइसेस में इधर उधर होगा लोग एक दूसरे के साथ स्विच करने लगेंगे, स्विच करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक एक्सेप्शन है, हाउएवर एक्सेप्शन में अराइज इन केस ऑफ गिफेन गुड्स और वेबलेन गुड्स। गिफेन गुड्स और वेबलेन गुड्स का मतलब है ऐसे गुड्स जो कि जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, है ना, वेयर द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क्स डिफरेंटली, जहां पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डिफरेंट तरीके से काम करता है। क्या है ये गिफेन गुड्स, दीज आर द इन्फीरियर गुड्स, मतलब ऐसे गुड्स जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो अच्छे नहीं है, है ना, उस तरह से। दीज आर इन्फीरियर गुड्स फॉर विच एन इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है ना। जहाँ पे अगर आप अगर उसकी प्राइसेस को बढ़ाएंगे, गिफेन गुड्स की प्राइसेस अगर आप बढ़ाएंगे, इन्फीरियर गुड्स की प्राइसेस अगर आप बढ़ाएंगे, तो जो इसका डिमांड है वो इंक्रीज करेगा बिकॉज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ओवरवेल्म्ड बाय द इनकम इफेक्ट। देखो यहाँ पे एक्सेप्शन पे भी एक्सेप्शन आ रहा है, गिफेन गुड्स इन्फीरियर होता है मतलब वो किसी काम का नहीं है, बट अगर उसकी कीमत बढ़ रही है तो लोग उसको कई बार खरीदते भी हैं, कई बार उस चीज को खरीदते भी हैं। क्यों? क्योंकि जो उसका प्राइस है वो आपके इनकम इफेक्ट के ऊपर उसका असर पड़ रहा है। अगर आपका इनकम ज्यादा है तो चलो भाई आपने इन्फीरियर की जगह कोई अच्छा आपने कॉफी ले लिया, पर अगर उसका प्राइसेस यू नो अगर आपके आपका इनकम अगर कम है और आपको कोई चीज लग रहा है कि नहीं चलो उसकी प्राइसेस घट रही है, थोड़ी बढ़ रही है, आपको तो पीना वही है, आप कॉफी पे तो शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो काफी महंगा है, तो आप उस चीज को और खरीदोगे। और जब आप चीज को जितना ज्यादा खरीदते हो उसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ती है ना, जब आप जितना खरीदोगे उतना उसका डिमांड आप बढ़ाते जाओगे मार्केट में, जो दिखता है वही बिकता है, आपने सुना है ना। जनरली क्या होता है कि जो प्राइसेस घटेंगे तब आप डिमांड बढ़ाओगे, लेकिन जब आप डिमांड बढ़ाते हो किसी चीज का, जब आप किसी चीज को ज्यादा खरीदने लगते हो तो उसकी प्राइसेस भी पैरेलली बढ़ने लगती है, है ना। तो यहाँ पे जो इनकम इफेक्ट है वो ओवरवेल्म कर रहा है, गिफेन गुड्स की क्वालिटी खराब हो या है फिर भी उस चीज को ओवरवेल्म कर रहा है, उसको दबाव में डाल रहा है और वो काम कर रहा है उल्टे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो बहुत एग्जाम्पल अच्छा यहाँ पे अच्छा दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल इफ द प्राइस ऑफ अ बेसिक नेसेसिटी लाइक ब्रेड, अगर किसी ब्रेड का जो प्राइस है अगर वो बढ़ जाए, पीपल मे कट डाउन ऑन मोर एक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव्स लाइक मीट, ठीक है। अगर आटे की कीमत अगर बढ़ जाए, है ना, तो आप क्या करोगे, अगर आप मांस खाते हो तो आप मांस खाना कम कर दोगे, क्योंकि आपको तो आटा सबसे पहले चाहिए ना, आटा का सब्स्टिट्यूट कुछ है क्या, नहीं चावल भी खा सकते हैं, बट जो लोग जिनको यू नो उनके कल्चर में है, उनके रेगुलर हैबिट में है, वो लोग नहीं कर सकते। तो आपका जो बाकी सारी चीजें हैं आप उसके ऊपर आपका जो डिपेंडेंसी है वो आप घटाने लगोगे, जो एक्सपेंसिव चीजें हैं उसको आप थोड़ा घटाने लगोगे, एंड बाय इवन मोर बेसिक गुड्स। और वहां पे आप जो बेसिक गुड्स हैं आप उनको और ज्यादा बाय करोगे, क्योंकि रोटी तो भाई आपको लेना है, ब्रेड तो आपको लेना है, राइट, तो वो आप वहां पे ज्यादा होने लगता है डिस्पाइट इट हायर प्राइस, उसकी प्राइसेस ज्यादा है फिर भी, आप समझ रहे हो। तो इस तरीके से भी काम करता है यहाँ पे लॉ का, जो लॉ ऑफ डिमांड है उसमें एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है। इस तरह की बात फिजिक्स में की जाती है, फिजिक्स में भी बहुत सारे लॉज हैं लेकिन वहाँ पे एक्सेप्शन इतने सारे हैं कि परेशान हो जाओगे फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो ऐसा नहीं है कि कॉमर्स में ऐसा चीज नहीं होता, जितने भी अगर साइंस के स्टूडेंट इसको देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई ये जो प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ती है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, सेम प्रॉब्लम हमें इकोनॉमिक्स में भी झेलनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे लॉज रूल्स के भी एक्सेप्शन हैं, है ना। सो ये चीज होगी वेबलेन गुड्स।
वेबलैंड आर द लग्जरी गुड्स, है ना। वेबलैंड गुड्स जो होते हैं वो लग्जरी गुड्स होते हैं जिनका लोग एज उसको स्टेटस सिंबल की तरह देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था गोल्ड के बारे में, है ना, अगर उसकी प्राइसेस बढ़ेगी तो भी लोग उसको खरीदेंगे खरीदेंगे ही खरीदेंगे। दीज आर द लग्जरी गुड्स वेयर हायर प्राइसेस मेक्स अ मोर डिजायरेबल एंड स्टेटस सिंबल। जितना ज्यादा जो है प्राइस बढ़ेगा उतना ज्यादा लोगों को लगेगा कि नहीं ये मेरा स्टेटस सिंबल है। हालांकि सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गरीब है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, पर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइसेस बढ़ने के बावजूद इस चीज को खरीदेंगे, है ना। तो ये चीज होता है जिसमें यहाँ पे लोग स्टेटस सिंबल दिखाने की कोशिश करते हैं, लीडिंग टू इंक्रीज इन डिमांड, जिसकी वजह से जो डिमांड है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। हियर द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज रिवर्स बिकॉज कंज्यूमर्स परसेप्टिव द गुड्स वैल्यू टू इंक्रीज विद इट्स प्राइस, है ना। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ये उल्टा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर जो है जिस चीज का प्राइस बढ़ रहा है उस चीज को ही ज्यादा खरीद रहा है ना, वो भी हमें देखने को मिलता है। द गुड्स वैल्यू टू इंक्रीज विद इट्स प्राइस, सो दे डू नॉट सब्स्टिट्यूट इट फॉर चीपर ऑल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोग उसका चीपर ऑल्टरनेटिव ढूंढ नहीं रहे हैं, लोग उसी को ले रहे हैं जिस चीज की प्राइसेस बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखो जो लॉ ऑफ डिमांड, जो बेसिक लॉ ऑफ डिमांड है कि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगा आई मीन प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, ये जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक लॉ है डिमांड का, वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा, राइट। दूसरा है इनकम इफेक्ट। सो द इनकम इफेक्ट रेफर्स टू द चेंज इन डिमांड रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन इकोनॉमिक सॉरी कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर ड्यू टू प्राइस चेंजेस। देखो इनकम इफेक्ट तो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अगर किसी की अगर कोई बंदा महीने में 10,000 रुपए कमा रहा है, उसका जो लाइफस्टाइल होगा वो जिस तरह की चीजें खरीदेगा, और किसी की सैलरी अगर 1 लाख रुपीज पर मंथ है तो वो जिस तरह से सामान खरीदेगा, वो जिस तरह की चीजों को अफोर्ड कर सकता है, क्या वो सेम हो सकता है? बिल्कुल सेम नहीं हो सकता। तो इनकम इफेक्ट पड़ता है आपके चॉइसिस पे, आपके यू नो डिमांड के ऊपर, है ना। सो द इनकम इफेक्ट रिफर्स टू द चेंज इन डिमांड। इनकम इफेक्ट का मतलब है जहां पे आप जो डिमांड है उसमें आपको बदलाव देखने को मिलता है, रिजल्ट फ्रॉम रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर, जो आपका परचेजिंग पावर है, आप 10,000 रुपए में जो अफोर्ड कर सकते थे उससे कहीं ज्यादा आप 1 लाख रुपए में अफोर्ड कर सकते हैं। तो किसी 10,000 वाले बंदे की अगर सैलरी 1 लाख हो जाए तो डेफिनेटली जो उसका परचेजिंग पावर है वो तो बढ़ गया, बाई 90,000 बढ़ गया, राइट। तो उसकी वजह से हमें चेंज देखने को मिलता है, जिसको हम लोग इनकम इफेक्ट का चेंज हम लोग बोलते हैं। नॉर्मली एज प्राइस राइजेस कंज्यूमर्स फील पुअरर एंड डिमांड लेस ऑफ द गुड। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती हैं, कंज्यूमर जो है वो थोड़ा गरीब महसूस करता है खुद को और वो कम डिमांड करने लगता है अच्छी चीजों का, है ना। हाउएवर एक्सेप्शन ऑकर व्हेन द इनकम इफेक्ट बिहेव्स अनयूजुअली। ये एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है जब हम देखते हैं कि जो इनकम इफेक्ट है वो यू नो अनयूजुअल चीजें आपको देखने को मिलती हैं। पहला है गिफन गुड्स। अगेन इन द केस ऑफ गिफन गुड्स व्हेन द प्राइस ऑफ द स्टेपल गुड्स राइजेस, है ना, जो अच्छी क्वालिटी की गुड है जब उनकी प्राइसेस जो गिफन गुड्स है उनकी प्राइसेस जब बढ़ती हैं, द रिड्यूस्ड परचेसिंग पावर फोर्सेस कंज्यूमर्स टू बाय मोर। जब आपका परचेसिंग पावर घट रहा है ना, गिफन गुड्स ही है, अच्छी गुड्स नहीं है, इंफीरियर गुड्स है, बट जब आपका परचेसिंग पावर घट रहा है क्योंकि प्राइसेस बढ़ रही है उसकी वजह से परचेसिंग पावर घट रहा है, प्लस आपकी इनकम भी उतनी ज्यादा नहीं है, तो उस चीज में आप क्या करोगे, जो आपके पास सस्ती चीजें अवेलेबल है आप उसको और ज्यादा खरीदने लगते हो, आप उसको और ज्यादा खरीदते हो, है ना। तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, टू बाय मोर ऑफ द चीपर गुड्स एंड रिड्यूस देयर कंजम्पशन ऑफ मोर एक्सपेंसिव गुड्स। अगर आपकी इनकम घट जाए तो आप यही करोगे ना, जो सस्ती चीजें आप उसको ज्यादा खरीद लोगे, जो महंगी चीजें उसको आप कम खरीदोगे। लीडिंग टू एन इंक्रीज इन डिमांड, जहाँ पे आप डिमांड बढ़ जाता है तो गिफन गुड्स है उनका प्राइसेस और ज्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलता है डिस्पाइट द प्राइस राइज, प्राइस घटने के कारण भी प्राइस बढ़ने के कारण भी हमें वहां पे डिमांड हम लोग को ज्यादा देखने को मिलता है। दिस इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इनकम इफेक्ट थ्रू आउटवेज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यहाँ पे जो नेगेटिव इफेक्ट है, जो नेगेटिव इनकम का इफेक्ट है, क्योंकि आपकी सैलरी थोड़ी कम है तो उसका जो इफेक्ट है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ओवरवेल्म कर रहा है, उसको आउटवेज कर दे रहा है, है ना। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो काम ही नहीं कर पाएगा ना, अगर आपकी सैलरी आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी काम नहीं कर पाएगा, है ना। आपकी इनकम अगर घट जाए तो जब इनकम घटती है तो आप जो चीजें खरीदना चाहे, जो चीजें सस्ती थी आप उनको और खरीदना चाह रहे हो तो उसकी भी प्राइसेस फिर बढ़ने लगती है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है टू बी ऑनेस्ट, आपको बहुत सोच करके इसको फिर समझना होगा तो ही आप इसको क्लियरली समझ पाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो बहुत ही रेगुलरली उसको बार बार रीड करें ताकि उसको समझ में आए आपको, ठीक है। दूसरा है नेसेसिटीज। सम गुड्स लाइक बेसिक नेसेसिटीज ईजी मेडिकेशंस और एसेंशियल फूड आइटम्स में एग्जिबिट लिटिल चेंज इन डिमांड इवन इफ प्राइसेस इंक्रीजेस। तो यहाँ पे अगर प्राइसेस इंक्रीजेस भी होती है मेडिसिन की या किसी चीज की, ये नेसेसिटी की चीजें हैं, तो भी आप यहाँ पे अवॉइड नहीं कर सकते, आपको वो चीजें लेनी तो पड़ेंगी ही, है ना। तो यहाँ पे डिमांड आपका बढ़ता ही है, अगर प्राइसेस बढ़ भी जाए फिर भी आपका डिमांड बढ़ता ही है,
है ना, सिंस दे आर एसेंशियल, क्योंकि वो चीजें एसेंशियल है, जरूरी है, कंज्यूमर्स कंटिन्यू टू बाय देम, कंज्यूमर जो है लगातार उसको खरीदते हैं, मेकिंग द इनकम इफेक्ट मिनिमल और नेग्लिजिबल। जहाँ पे इनकम इफेक्ट जो है वो एक तरह से नेग्लिजिबल हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास 100 रुपए भी है तो भी आप अच्छी यू नो जो मेडिसिन की जो प्राइस हो गया, आपको मेडिसिन तो लेना है ना, तो आप वहाँ पे मेडिसिन खरीदते ही हो, है ना, चाहे उसकी आपका इनकम इफेक्ट नेग्लिजिबल हो या मिनिमल हो, स्टिल आप नेसेसिटीज की चीजें खरीदते हो। समरी कर लेंगे, समरी ऑफ गिवन गुड्स एक्सेप्शंस। पहला है गिवन गुड्स, हायर प्राइसेस लीड टू हायर डिमांड, ज्यादा प्राइसेस अगर होंगी तो ज्यादा डिमांड हम लोग को देखने को मिलेगा। टू स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट, जहाँ पे इनकम इफेक्ट भी जो है वो काम करता है, अगर आपका इनकम इनकम ज्यादा है तो, और गिवन चीजें की अगर बढ़ भी नहीं है, प्राइसेस अगर बढ़ भी नहीं है, फिर भी आप उस चीज को ज्यादा खरीदोगे, क्योंकि आप चाहोगे कि उसकी प्राइसेस इतनी ना बढ़ जाएं कि आप बाद में फिर आप उसको खरीद ना पाओ, तो आप उसको और ज्यादा खरीदने लगते हो, तो डिमांड आप और ज्यादा बढ़ा देते हो। कंज्यूमर्स बाय मोर ऑफ द चीपर स्टेपल एज देयर इनकम फॉल्स, ऐसा भी देखने को मिलता है, जब उनका इनकम बढ़ने लगता है तो जो सस्ती चीजें हैं उनको वो ज्यादा खरीदने लगते हैं, जो महंगी चीजें हैं उसको वो अवॉइड करते हैं, राइट। दूसरा है वेबलिन गुड्स, तो वेबलिन गुड्स हायर प्राइसेस इंक्रीज डिमांड बिकॉज ऑफ द स्टेटस प्रेस्टीज एसोसिएटेड विद द दीज गुड्स, है ना, वेबलिन गुड्स हो गए मतलब थोड़े लग्जरी आइटम्स, ठीक है ना, तो हायर प्राइसेस अगर उनकी ज्यादा है भी, फिर भी लोग खरीदते हैं, क्योंकि उनको अपना स्टेटस सिंबल मैच करना होता है, उनको अपना स्टेटस मेंटेन करके रखना होता है, राइट, तो वो भी हम लोग को देखने को मिलता है, जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे काम ही नहीं करता। ओके, नेसेसिटीज डिमांड रिमेन स्टेबल डिस्पाइट, हैंग ऑन, सो डिमांड, सॉरी, या सो डिमांड रिमेन स्टेबल डिस्पाइट प्राइस चेंजेस, डिमांड जो है हमें स्टेबल देखने को मिलता है प्राइस चेंजेस होने के कारण भी। कंज्यूमर्स कैन नॉट रिड्यूस कंजम्पशन इजिली, जो कंज्यूमर्स हैं वो अपने कंजम्पशन को इजिली रिड्यूस नहीं कर सकते, लीडिंग टू वीक इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जिसके कारण से आपका जो आपका इनकम है या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उसके कारण से भी चीजें जो है वो काम नहीं कर पाती है ठीक तरीके से, ठीक है ना। नेसेसिटीज इतनी ज्यादा होती है कि लोगों का इनकम हो या सब्स्टिट्यूशन हो, आप वहाँ पे वो काम ही नहीं कर पाता, वो अगर वो जरूरी है तो आपको लेना, जैसे कि मेडिसिन का एग्जांपल दिया गया था, अगर जैसे कि मेडिसिन जरूरी है, राइट, तो आप मेडिसिन को अवॉइड नहीं कर सकते, मेडिसिन आपको लेना ही है, चाहे उसकी प्राइसेस ज्यादा हो कम हो, चाहे आपका इनकम ज्यादा हो कम हो, चाहे उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो ना हो, है ना, नेसेसिटीज की चीजें आपको लेनी है। These exceptions, और ये product to product vary भी करता है, एक product की जो चीजें applicable है दूसरे के लिए same चीजें applicable हो ये जरूरी नहीं है, है ना। These exceptions highlight situations where the typical downward sloping demand curve does not hold due to unique interactions between the substitution and income effects, है ना, तो ये जो exceptions हैं ये highlight करती हैं इस तरह के situations को जहाँ पे जो demand sloping curve, जो downward sloping curve है, कर के ऊपर क्लासेस नहीं हुई है, जब भी कराऊंगा मैं आपको और डिटेल में समझा पाऊंगा, तो जो डिमांड यू नो स्लोपिंग कर्व, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स हैं डिमांड की, वो एक तरीके से रुक नहीं पाती है एक जगह पे, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरेक्शन होता है बिटवीन द सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। ये चीजें जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, इस तरह की सिचुएशंस अराइज होंगी, तो जो स्लोपिंग कर्व है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा, थोड़ा बहुत ये डिफरेंट तरीके से काम करेगा, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा, मैं इस वीडियो जल्दी ही अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करूंगा, एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दे कुड नो दैट वी हैव यू नो प्रिपेयर द असाइनमेंट्स, दे कैन बाय प्रिपेयर द नोट्स, दे कैन बाय इट एट जस्ट ₹200 पर पेपर, एंड इफ यू विल टेक ऑल द पेपर्स टुगेदर आई माइट कंसीडर सम डिस्काउंट एज वेल, सो इट्स ऑल अप टू यू, एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम दीज नोट्स, क्योंकि मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं, यू कैन लिसन टू आवर वीडियो लेक्चर्स और व्हाटएवर, ठीक है, सो या थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।